सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड, आपको पता है कौन सी गर्लफ्रेंड है, वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड कर रही है शादी। यस, इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। और जिससे शादी कर रही है वो महाराष्ट्र का पॉलिटिशियन है। आप उसको महाराष्ट्र का पॉलिटिशियन भी आपको पता है कौन है, लेकिन अब इस बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सुशांत सिंह राजपूत की पहली गर्लफ्रेंड अंकिता है, उसकी तो शादी हो चुकी है, फिर और कौन सी गर्लफ्रेंड है मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में। लेकिन आपको उससे पहले एक बात जरूर बता देता हूँ, बॉलीवुड से बहुत सारे लोग आए सुशांत के लिए, लेकिन उनमें से कई सारे लोगों ने रेस्ट इन पीस लिखा, महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ के, जो बॉलीवुड से नहीं है, क्रिकेट से, लेकिन वो अभी फिलहाल बॉलीवुड में आने वाले हैं। चलिए बात उसकी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड से सब लोगों ने रेस्ट इन पीस तो लिखा, लेकिन सीबीआई फॉर एसएसआर कृति सैनन ने लिखा, अंकिता ने लिखा, लेकिन उसकी वो नौटंकिता थी, और लेकिन उसके बाद कंगना रनौत ने लिखा, लेकिन वो बाद में पलट गई। लेकिन ऐसी कौन सी गर्लफ्रेंड है जिसने सीबीआई फॉर एसएसआर लिखा है? यस, रिया चक्रवर्ती ने भी सीबीआई फॉर एसएसआर लिखा था, लेकिन बाद में उसने बोला था कि मुंबई पुलिस की जांच होनी चाहिए, मुंबई पुलिस जांच करनी चाहिए सुशांत के केस की, क्योंकि बिहार में रिपोर्ट दर्ज हुई थी रिया के खिलाफ, फिर उसको लगा कि मेरा ही नाम आने वाला है, तो फिर ठीक है भैया मुंबई पुलिस है, और मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं सगी है रिया चक्रवर्ती, ये कहीं ना कहीं साबित होता था, क्योंकि बीजेपी के किसी लीडर ने पहले ही बता दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में 13 जून की नाइट और 12 जून की नाइट में 44 कॉल्स किए गए थे मिस्टर आदित्य ठाकरे की तरफ से रिया चक्रवर्ती को। ये मैंने नहीं कहा, ये नारायण राणे ने कहा था। अब मुझे बात बताओ, और भी संसद में बहुत लोगों ने कहा था जो बीजेपी के थे, अब मुझे बात बताओ, आपको समझ में आ तो गया होगा कि पूरा का पूरा मामला। लेकिन हम इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि रिया चक्रवर्ती और बाकी सब के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड के उस अभिनेत्री की जिसने शादी की पॉलिटिशियन से, और रिया उसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ उसका रिश्ता था। एक्चुअली देश शुद्ध देसी रोमांस की परिणीति चोपड़ा शादी कर रही है राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियन है, उनसे। एक्चुअली उनकी मुलाकात यूएसए में हुई थी, कॉलेज के टाइम वो दोस्त बने थे, लेकिन परिणीति चोपड़ा ने सुशांत के बारे में कभी कुछ गलत तो नहीं कहा, ऑफकोर्स रेस्ट इन पीस वगैरह कहा, अच्छा अच्छा चीजें लिखी, लेकिन सीबीआई फॉर एसएसआर परिणीति चोपड़ा ने भी नहीं कहा। लेकिन अब ये रिश्ता, एक साल पहले एक्चुअली इनके एंगेजमेंट हो गई थी, शादी अभी होने वाली है, लेकिन आपको क्या लगता है इस बारे में, परिणीति चोपड़ा को बोलना चाहिए था या नहीं? प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।